नमस्ते स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल संस आशा में आज हम क्रोशिया से पंचकोन आकार कैसे बनाना वो देखेंगे हमेशा की तरह हम स्लिप नॉट से शुरू करेंगे स्लिप नॉट के बाद हम लोग तीन चेन क्रोशिया के टाके बनाएंगे तीन टाके होने पे जो पहला और आखिरी टाका है उसे स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे तो ये देखिए मैंने ये स्लिप स्टिच बनाई जोड़ने के लिए और फिर एक चेन क्रोशा का टाका ठीक है अब देखिए वो पहला और आखिरी टाका जोड़ने की वजह से ना हमको एक बहुत छोटा सा गैप बीच में मिल तैयार हो जाता है एक छोटा सा सा गोल सर्कल सा बीच में तैयार अब हर बार हम लोग धागे को नीडल पे घुमाएंगे फिर नीडल को वो गोल के अंदर से डालते हुए धागा बाहर खींचेंगे और फिर एक हाफ डबल क्रोशा का टाका बनाएंगे ठीक है तो हमको ऐसे तीन हाफ डबल क्रोशा के टाके फिर एक डबल क्रोशा का टाका बनाना है सेम पैटर्न में इसी स्टाइल में ठीक है ये दूसरा हुआ ये देखिए हमने धागे को नीडल पे घुमा लिया और ये जो छोटा धागा है ना इसको सिलाई में मत लेना वो बाद में आप लोग खींच लेंगे तो बीच का गैप बंद हो जाता है अब हम ये तीन हो गए हमारे हाफ डबल क्रोशा के टाके अब हम एक डबल क्रोशा का टाका बनाएंगे नीडल को धागे को नीडल पे घुमाएंगे और गोल के अंदर से धागा खींचते हुए धागा बार खींचेंगे और एक डबल क्रोशा का टाका बनाएंगे तो ये एक सेट हो गया ऐसे कुल मिला के पांच सेट हमको बनाने हैं ठीक है थीके? टोटल पांच ये हम लोग जो एक एक डबल क्रोशा का टाका ले रहे हैं ना तीन हाफ डबल क्रोशा के टाकों के बाद वो एक डबल क्रोशा का टाका जो है वो पॉइंट है पंचकोण का पांच पॉइंट है इसलिए हम लोग पांच सेट लेंगे ऐसे तो हर बार हम लोग तीन हाफ डबल क्रोशा के टाके बनाएंगे फिर एक डबल क्रोशिया का टाका तीन हाफ डबल क्रोशा के टाके और एक डबल क्रोशा का टाका तो ये जो तीन हाफ डबल क्रोशा के टाके हैं वो साइड है और जो डबल क्रोशा का टाका है वो पांच पॉइंट आएंगे पंचगुण आकार के ठीक है मैं आपको ये पूरा करके दिखाती हूँ आप में से किसी को अगर हाफ डबल क्रोशा का टाका या डबल क्रोशा के टाक, टाके का ट्यूटोरियल वीडियो रेफर करना है या फिर कोई दिक्कत है तो लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया है आप रेफर कर सकते हैं काफी स्लो डेमोन्स्ट्रेशन है आपको बहुत आराम से समझ में आएगा ठीक है वीडियो पे वापस आते हैं ये देखिए हमारे ये पांच सेट पूरे हुए अभी जो पहला और आखरी टाका है, ये देखिए पांच कॉर्नर ठीक है ये हम लोग आखिरी डबल क्रोशिया का टाका ले लेंगे हमारा ठीक अभी ये जो पहला और आखिरी टाका है उसको हम लोग स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे हमारा छोटा सा पंचकोन तैयार हो गया है ठीक है ये पहला और आखिरी टाका हम लोग स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे तो ये हमारा छोटा सा पंचकोन तैयार हो गया ये देखिए पेंटागोन पंचकोन ठीक है अब ये जो छोटा खुला धागा था ना ये हम लोग जोर से खींच लेंगे तो देखिये पीछ की गैप पूरी बंद हो गई यानी हमको एक ठोस पंचकोण पंचकोन अभी मिलना शुरू हो जाता है ये पहली स्टेप थी ठीक अभी इसके आगे हम मैंने आपको बोला था हम चाहे इसको इतन, बढ़ा सकते तो कैसे बढ़ाएंगे हम लोग अभी जितने भी हाफ डबल क्रोशा के टाके हैं, वो हर एक टाके पे हम लोग एक हाफ डबल क्रोशा का टाका लेंगे याद रखिए, जितने भी हाफ डबल क्रोशा के टाके हैं, हर एक टाके पे हम लोग एक हाफ डबल क्रोशा का टाका कर लेंगे ठीक हर एक टाके पे हर एक हाफ डबल क्रोशा के टाके पे एक हाफ डबल क्रोशा का कर टाका और जितने भी डबल क्रोशा के टाके कर हैं उन पे हम लोग तीन टाके एक साथ लेंगे पहले एक हाफ डबल क्रोशा का टाका फिर एक डबल क्रोशा का टाका और फिर एक हाफ डबल क्रोशा का टाका ये ऐसे लेना है एक हाफ डबल क्रोशा का टाका एक डबल क्रोशा का टाका और एक फिर एक हाफ डबल क्रोशा का टाका तो ये तीन टाकों का सेट हम लोग हर एक डबल क्रोशा के टाके पे बनाएंगे और बाकी बचे हुए हर एक हाफ डबल क्रोशा के टाके पे हम लोग एक हाफ डबल क्रोशा का टाका लेंगे बस यही पैटर्न आपको हर राउंड में फॉलो करते चले जाना है तो ये अपने आप बढ़ते भी चले जाएगा और ये अपना शेप भी एज इट इज रहेगा चेंज नहीं होने वाला है। पंचकोन का ही आकार उसी हिसाब से बढ़ते चले जाएगा ठीक है मैं दोबारा रिपीट करती हूं हर एक डबल क्रोशा के टाके पे हम लोग सेट बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशा का टाका एक डबल क्रोशा का टाका और एक हाफ डबल क्रोशा का टाका ठीक है ऐसा सेट एक डबल क्रोशा के टाके पे बनाना है हर एक डबल के टाके पे जब भी हम नया राउंड बना रहे। और बाकी बचे हुए तीन चार राउंड बना के दिखाती हूँ और जब हम पूरा फिनिश हो जाता है तो जैसे पहले और आखिरी टाके को हम लोग हर राउंड में स्लिप स्टिच को स्लिप स्टिच से जोड़ लेते हैं तो हमारा राउंड पूरा हो जाता है मैं आपको ऐसे सात आठ राउंड बना के दिखाती हूँ आपकी मर्जी आपको बनाना है उतने बड़े बनाइए मैं तो ट्यूटोरियल पर्पज के लिए दिखा रही हूँ तो मैं आपको चार पांच बना के दिखाती हूँ कि ये बड़ा भी होते जाता है इसका शेप भी चेंज नहीं होगा कॉर्नर भी एज इट इज रहेंगे ठीक है मैं आपको एक करके दिखाती हूँ ये देखिए वही टेक्निक फॉलो करते हुए हम लोगों को सॉलिड हमारा ठोस पंचकोण मिलना शुरू हो जाता है कोई गड्ढा नहीं है कोई गैप नहीं है बीच में ठीक और आ, सेम शेप में वो बढ़ते भी चले जा रहा है तो ये मैंने ट्यूटोरियल पर्पज के लिए बनाया तो जैसे मैंने सिर्फ पांच ही राउंड लिए है आपकी मर्जी आपको चाहे उतने ले लीजिए ठीक और फिर जब आपका खत्म हो जाता है जितना बड़ा बनाना है उतना बड़ा बन के हो जाता है तो आखिरी इसमें आप हर एक टाके में एक स्लिप स्टिच ले लीजिएगा बस ये देखिए ये हर एक टाके में हमको एक स्लिप स्टिच लेनी है तो ये पंचकोण का आकार और एकदम अच्छा दिखने लगता है बैकग्राउंड नॉइस के लिए सॉरी मेरा बीबी खिल रहा है ये देखिए ये ऐसे हर एक टाके में एक स्लिप स्टिच हो गई अब जब हम पॉइंट पे आते हैं तो हम लोग उसपे एक स्लिप स्टिच बनाएंगे और फिर एक चेन क्रोशा का टाका बनाएंगे एक्स्ट्रा और फिर हम लोग हर टाके में एक स्लिप स्टिच बनाना शुरू कर देंगे तो वो जो एक चेन क्रोशा का टाका हम बनाते हैं उसकी वजह से हम लोगों के पॉइंट्स जो है वो थोड़े और अच्छे दिखते हैं और मतलब शेप अच्छा दिखता है ये देखिए ये फाइनल पीस हो गया ये देखिए पॉइंट्स सही से आ गए हैं पांच और आप जो मैंने टेक्निक बनाई बताई है उसी हिसाब से जाएंगे तो आप चाहे उतना बड़ा करते जा सकते हैं तो आप में से जिसने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज सब्सक्राइब कीजिए संसाची यूट्यूब चैनल को मैं बहुत सारे ट्यूटोरियल वीडियो लेके आ रही हूँ और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया उनको थैंक यू वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद थैंक यू प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए सनसाशन यूट्यूब चैनल को और आ, आ, मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस लेके आ रही हूँ और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिए थैंक यू